ललित बाबा आश्रम के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज आपको लेके चल रहे हैं ललित बाबा आश्रम। अगर आप 2024 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ पे दो समस्या हो सकती है, एक तो आपको रुकने की समस्या और खाने की समस्या। तो दोस्तों केदारनाथ में हम हैं और ताज़ा अपडेट जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं। नए हो तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अगर आप केदारनाथ 2024 में आ रहे हैं तो पहला दो चीज़ें, एक तो रुकने की व्यवस्था, टेंट आप लोग को 400 से 500 लग जाते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं वहाँ के जाके कोई आश्रम है कि नहीं, कोई रुकने का पूरी सुविधा है कि नहीं। तो दोस्तों ऐसा एक आश्रम है बाबा केदारनाथ धाम में जो कि पूरी सुविधा प्रोवाइड करता है। ऐसे तो केदारनाथ में चार लंगर हैं जहाँ पे आप फ्री में खाना खा सकते हैं, लेकिन रुकेंगे आप भी फ्री, जो कि आज की वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आप रुक सकते हैं ललित बाबा आश्रम, जिसमें आपको खाने पीने रहने की पूरी सुविधा मिल जाएंगी, लेकिन जाना कैसा है वो आपको बताऊँगा। अभी दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा केदारनाथ की मंदिर है, और ये जो रास्ते देख रहे हैं हम, ये पहले इसी रास्ते से बाबा जी का दर्शन हुआ करता था, लेकिन अभी ये रास्ते को बंद करके ना इधर से रास्ते बना दिया गया है। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, हम आपको पूरा बताएंगे कि बाबा केदारनाथ धाम पे आने के बाद आप किस तरीके से ललित बाबा आश्रम में जाके फ्री रुक सकते हैं। चलिए आपको पूरा रास्ता बताएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री केदार। बाबा केदारनाथ के धाम आ रहे हैं तो आपको पूरे किनारे किनारे पूजा पाठ के सामाने मिल जाएंगे, और यहाँ से आप खरीद के बाबा जी के धाम पे चढ़ा सकते हैं। सामने देखिए पूरा पर्वत ना चमक रहा है। बाबा केदारनाथ के धाम पे बहुत से कंस्ट्रक्शन काम अभी भी चल रही है। आप जब बाबा धाम आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ना केदारनाथ धाम आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाईटेक होटल यहाँ पे बन रही है। दोस्तों 2024 में अगर आप केदारनाथ धाम आते आते पैदल यात्रा करते करते अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो ये बड़ी सी ओम लगी हुई है, शायद 30 साल इसे इंस्टॉल किया गया है, इसी के ही बाजू में ही आपको स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, यानी कि तबीयत खराब होने पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप दवाई ले सकते हैं। देखिए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए इधर से लाइन लगी हुई है। अब बताते हैं अब ललित बाबा आप आश्रम आने वाले हैं। दोस्तों वहाँ पे देखिए एलिपेड लगा हुआ है, वैसे जब आएंगे ना तो ओम के पास देखिएगा, ओम देखिएगा बड़ा सा इस तरीके से, यहाँ से एक ब्रिज दिखेगी जो कि पुराना केदारनाथ रास्ता जाने के लिए ब्रिज बनी हुई थी। इधर से आप लोग को ललित बाबा आश्रम जाना है, और इधर से होते हुए वहाँ पे देखिए वहाँ पे है ललित बाबा आश्रम। अभी आपको पूरा रूट दिखाते लेके चलेंगे। हेलीकॉप्टर इधर पे जा रही है, इधर से ऊपर की तरफ जाएगी, समझ जाइएगा ना VIPO का हेलीकॉप्टर है। यहाँ सेलिब्रिटी लोग भी आजकल बहुत आ रहे हैं केदारनाथ में, आम आदमियों का हेलीकॉप्टर आ रही है। यहाँ देखिए जब बाबा जी का दर्शन करने आएंगे तो आपको साइड में एक ब्रिज दिखेगी, इसी ब्रिज के माध्यम से आपको उस आश्रम पर जाना है। ऊपर पे लिखा हुआ देखिए, श्री रामानंद आश्रम श्री केदारनाथ धाम श्री ललित रामदास महाराज, ये ऐसे लिखा हुआ होगा, उसी के ब्रिज के नीचे आपको जाना है सीधे, तो आप बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। ये बाबा जी के दर्शन के लंबी लाइन लगती है, किनारे देखिए मंदाकिनी नदी देखिए। चलिए इस ब्रिज के माध्यम से होते ही आपको ललित बाबा आश्रम लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रही है, केदारनाथ का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल, यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं। इधर पे देखिए नीचे उतरती हुई मंदाकिनी नदी, और सामने है हेलीबेस। इस ब्रिज से खड़े होंगे तो आपको सीधे दिखेगी कैलाश पर्वत, बिल्कुल साफ और क्लियर चमकते हुए। थोड़ी देर में हम इस ब्रिज को पार करेंगे, इसके सामने देखिए पूरे जो है प्राइवेट टेंट लगे पड़े हैं, जिनके सभी के प्राइस 500-600 रुपए में हो जाएगी। यहाँ से देखिए ग्लेशियर पूरा बह के आके वाटरफॉल का निर्माण कर रही है। चलिए ये देखिए इस तरीके से बाबा जी का धाम जाने के लिए, यानी कि ललित बाबा आश्रम जाने के लिए अच्छे से रास्ता बने हुए हैं। देखिए ये पूरे टेंट लगे हुए हैं, ये है प्राइवेट टेंट जिनकी कीमत 500 से 600 रुपये है एक दिन का, यानी 12 घंटे की। वो सामने देखिए हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार, और यहाँ से देखिए मौसम का हाल। ये जो रास्ता है दोस्तों, ये पुराना केदारनाथ धाम का रास्ता भी हुआ करता था,
वो वाली वीडियो अलग आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से पुराने केदारनाथ रास्ता हुआ करते थे, जो कि आपदा के दौरान पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये जो ऊपर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे हर तरफ देखिएगा ग्लेशियर जम जो है पिघल के वाटरफॉल का निर्माण कर रही है। हरे वाले जगह पे देखेंगे भेड़ बकरी घोड़े चरते हुए दिखते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप जम्मू कश्मीर या कोई अन्य जगह पे हैं। पूरे प्राइवेट टेंट है जिनकी कीमत आपको हमने बताई। ये पूरे रहे प्राइवेट टेंट और सामने देखिए एलिवेटर दिखेगी जहाँ पे श्रद्धालुओं को लाती है छोड़ती है लगातार। उसी हेलीबेस से आप खड़ी होकर सामने जब देखेंगे तो आपको दिखेगा ललित बाबा आश्रम, जहाँ पे गर्म पानी की सुविधा रहने खाने की सुविधा पूरा है। हो रहे बाबा धाम, बाबा जी का मंदिर, और देखिए ये पूरा भूस्खलन हो चुका है, पूरा धीरे धीरे ना बड़े होते जा रही है, देख पा रहे होंगे। चलिए बाबा जी के आश्रम पहुँच चुके हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ललित बाबा आश्रम। ये है प्रवेश द्वार जहाँ पे साधु संतों को रहने के लिए फुल फ्री है। यहाँ पे हम जैसे भक्तों को भी फुल फ्री है। यहाँ से आप आके रुक सकते हैं और बाबा जी का धाम में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गाना चल रही है, अभी हम यहीं पे हैं बाबा जी का आश्रम। देखिए पूरे श्रद्धालु देखिए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये देखिए ये है ललित बाबा आश्रम, यहाँ पे आके आप फ्री में कहाँ पी सकते हैं। देखिए पूरे बाबा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए ये देखिए पूरे श्रद्धालु ना भोजन कर रहे हैं, और ये है ललित बाबा आश्रम। यहाँ पे आइएगा, रुकिएगा, यहाँ पे चाय की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरे नहाने फोने की व्यवस्था है, और अपने जैसे ट्रेवल यहाँ पे रहा के ना टेंट भी लगा सकते हैं। देखिए वहाँ पे धोइएगा बर्तन, यहाँ पे चाय पानी सब की व्यवस्था हो जाएगी। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो बेशक सा आ सकते हैं। ये है ललित बाबा आश्रम। जय श्री कृष्णा। फाइनली हम लोग जो है ना ललित बाबा आश्रम से आ गए हैं। वहाँ पे हमने 5 मिनट उधर अपने मोबाइल को चार्ज करी होगी, उसके बाद ना उन लोगों ने ना कचरे फेंकने के काम, कभी झाड़ू लगाने के काम, कभी हवन सामग्री कूटने का काम दे दिए। मतलब ना इतने खतरनाक कचरे फेंके भाई हम लोगों ने। उन्होंने बोला कि श्रम दान करो भाई साहब, हम खुद पैदल यात्रा करके आए हैं, भगवान जी का दर्शन करने के लिए आए। बोल रहे हैं कि दर्शन हो जाएगा, पूरे शरीर के लंका लग पड़े हैं, मतलब अच्छे से हाथ पांव पूरे दर्द कर रहे हैं। हम सोचे थोड़ा चार्ज कर लें, भगवान जी का दर्शन कर लें, लेकिन नहीं भाई, कभी कचरा उठा है। मतलब भाई इतना खतरनाक है ना उसका डार्क रियलिटी, सही बता रहे हैं। अभी छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, इधर देख लीजिएगा। ठहरने से पहले भाई 50 बार सोच लेना। हम तो हालांकि यहाँ नहीं ठहरे थे, हमने खुद की टेंट से ठहरी है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना आपको काम करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा बता रहे हैं, कुछ इस तरीके का काम। तो एनीवे आप आना चाहे तो आ सकते हो, जाना चाहे जा सकते हो। उन्होंने बोला कि जो हम काम कर रहे थे उसका वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। फिलहाल मैं उससे पहले ही चालू कर दिया था, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ कि आपको किस तरीके से काम करना पड़ सकता है। भाई हम उसको डालेंगे, ऐसा नहीं कि भाई या जनता आ रही हूँ उनको तगड़े लेवल का काम करा रहे हो, कभी कपड़ा कचरा उतारे। भाई यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग, इतना ज़्यादा भी हो नहीं। बोल रहे हैं कि दर्शन बाद में कर लेना, पहले श्रम दान कर लेना। तो वाट लगा दी भाई, हम खुद पैदल चल के आ रहे, 20 दिन हो गए पैदल चलते चलते इधर हैं, और बाबा जी का दर्शन नहीं हुए। वहाँ कभी कचड़ा उतो आ रहे हैं, कभी प्लेट धुलवा आ रहे हैं भाई, तो ये बहुत गलत है भाई। इतना सारे संस्था चलती, इतने सारे भगवान जी के यहाँ पैसे चढ़ते कहाँ जाते हैं पता नहीं। रेलवे ललित बाबा आश्रम के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया कि क्या होता है उसके अंदर। मतलब मत रुकना भाई यहाँ पे आके, अगर यहाँ के तुम रुकोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे तुम लोग, है ना। क्योंकि हर भगवान के लिए ठीक है, साधु संतों के लिए ठीक है, हमारे जैसे आदमी 5 मिनट भाई बैठने नहीं देते, उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, या मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे ना कुछ कर पा रहे। तो
थैंक यू सो मच गाइस। बाकी यार बुरा लगा होगा तो माफ कर देना, जो सच्चाई था भाई पब्लिक के लिए मेरे को दिखाना बनता था, मैंने दिखा दी। बाकी आप किरा यहाँ पे आके रुकना चाहो तो रुक लो, नहीं रुकना चाहो तो ना रुक लो। थैंक यू। जय श्री केदार, हर हर महादेव।